नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं आईडी कार्ड डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने साइज़ ले रखा 12 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, कंट्रोल एन इसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। देखिए, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर हम लिखेंगे आईडी कार्ड डिज़ाइन। ठीक, डिज़ाइन पेज क्रिएट करने के बाद हम साइज चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन हम रखेंगे 300, प्राइमरी कलर सेम रहेगा, ओके कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंचेस सेंटीमीटर वगैरह सारे ऑप्शन आते हैं, इंचेस मिलीमीटर पिक्सल पॉइंट सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे हम करेंगे सेंटीमीटर, यहाँ पे हम करेंगे 12, टैब दबाएंगे और 7.5 एंटर दबाएंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड कार्ड का साइज बन गया। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे माउस का, तो एक जितना बड़ा हमने पेज ले रखा उतना ही पेज का एक बॉक्स बन जाएगा। इस पर हम पी प्रेस करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो हम पी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। सबसे पहले हम फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ये वाली फोटो में इम्पोर्ट करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट कॉपी कर रखा है, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसको हम टेक्स्ट को भी साइड में रख देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आना है, हमें एक बॉक्स लेना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, हम करेंगे 0.3 0.3। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट टॉप। ठीक, यहाँ पे हम गाइडलाइन रख लेंगे। देखिए, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट बॉटम। हम गाइडलाइन इसीलिए लगाते हैं कि बाद में कटिंग वगैरह में कोई इशू ना आए। गाइडलाइन हमने लगा दी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे इतना बड़ा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सेव टू, कंट्रोल क्यू कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्व, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा, देखिए सेलेक्ट करके इसको ऊपर कर देंगे। और इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इतना हो गया, इस पर हम कलर क्लिक करेंगे कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऐसे ऑप्शन बन के आएगा, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाइए, हम यहाँ पे करेंगे 97.76 0.0, ओके कर देंगे, इसको हम डन कर देते हैं। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, फिर इसका कलर चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे 184 420, ओके करेंगे, पीछे वाले को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ऑर्डर कुक टॉप। पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड रेक्टेंगल पे, यहाँ पे बॉक्स लगाएंगे अपने हिसाब से जितना बड़ा रखना चाहे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे F10, इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, इसका साइज हम करेंगे 2 पिक्सल। ये फोटो हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पावर क्लिक सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट पावर क्लिक एड प्रॉपर्टी, फोटो फिट हो गई है। इसको हम चाहे साइड साइड से और बढ़ा सकते हैं, देखिए यहां से बढ़ा लेंगे थोड़ा, इसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक, और ये वाला कलर पिक करके यहाँ डाल देंगे, ये वाला कलर करके यहाँ डाल देंगे। ठीक, इसका कलर हम कर देंगे ये वाला। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए टेक्स्ट लगाना है, ये टेक्स्ट है, ये लगाना है टॉप पे। आईडी कार्ड को हम थोड़ा यहाँ लगा देते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं,
ये है आपका लोगो। आपके पास जो भी लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए इसको हम कलर करेंगे वाइट, इसको हम यहाँ लगा देंगे। दोनों को सेलेक्ट किया, देखिए सेंटर कर दिया हमने, इसका कलर वाइट, इसका भी कलर वाइट। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट लगाना है जो मैंने हमने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, यहाँ लगा देंगे टेक्स्ट। इसका कलर हम कर देंगे ये वाला, नीचे हम एक लगाएंगे बॉक्स, यहाँ पर डबल क्लिक 900 45। ओके आउटलाइन डन, ऑब्जेक्ट पावर पे प्लेस इनसाइड। ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लगा देंगे, वाइट कर देंगे टेक्स्ट। इसको चाहे तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक। इसको हम सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड, शिफ्ट दबाया बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, इसको सेंटर कर देंगे। इतना हमारा हो चुका है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसको हम बाहर रखेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक। इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको ग्लेसिकल, देखिए इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट F3, इसको हम करेंगे अपर केस। उसके बाद इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और एक कॉपी करके यहाँ पे साइड में रख देंगे। सेलेक्ट किया, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, कंट्रोल जी बाहर ले जाएंगे। देखिए इसको शिफ्ट दबाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, इसको नीचे करेंगे और नीचे करके राइट बटन प्रेस कर देंगे, कंट्रोल आर करेंगे, कंट्रोल जी पी दबाएंगे। देखिए ये आ गया है, इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं 85, ठीक। कंट्रोल एक्स करेंगे, बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, एडिट गए पावर क्लिक, एडिट पावर क्लिक, यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे, शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे। हम देख लेते हैं हमारा डिजाइन, देखिए दोस्तों इसके यदि बैकग्राउंड और लाइट करना चाहे तो लाइट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा। इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे पावर क्लिप ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाएंगे एडिट पावर क्लिप, इसको दिए आप चाहे तो और लाइट कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं 90, ठीक। ऑब्जेक्ट पावर क्लिप फिनिश एडिटिंग, ये आउटलाइन हम डन कर देंगे राइट क्लिक करके। देखिए ये हमारा आईडी कार्ड रेडी हो चुका है, इसके अंदर आप लोगो वगैरह चेंज करना चाहे तो लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।